Cricket frenzy hits a fever pitch in India. Men in blue taking on Australia in the Cricket World Cup final. And in tune with the cricket mania that has engulfed the country, Prime Minister Narendra Modi used a cricket analogy today to take on the ruling Congress party in Rajasthan. Targeting Gehlot government, Prime Minister said that while batsmen try to score runs, Congress has leaders who are busy trying to run each other out instead of playing for the same team. Listen in. क्रिकेट में बैट्समैन आता है और अपनी टीम के लिए रन बनाता है, लेकिन कांग्रेस वालों में ऐसा झगड़ा है कि रन बनाना तो दूर, ये लोग एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हैं। कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में बीत गए। जो बच्चे हैं वो महिलाओं और अन्य मुद्दों पर गलत बयान देकर हीट विकेट किए जा रहे हैं, हीट विकेट हुए जा रहे हैं, और बाकी जो है वो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर मैच फिक्सिंग कर लेते हैं और कुछ काम नहीं करते। जब इनकी टीम ही इतनी खराब है तो ये क्या रन बनाएंगे और आपका क्या काम करेंगे। Put on a sticky wicket by the Prime Minister, the Congress has hit back. They say that BJP must first inspect its own game plan and internal rifts before pointing fingers at them. देखिए, बीजेपी पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे, क्योंकि उनके जितने नेता हैं वो बिखरे हुए हैं। हमारे नेता मंच पर एक साथ हैं, हमारे नेता मन से एक साथ हैं, हमारे नेता जमीन पर भी एक साथ कैंपेन कर रहे हैं। तो हमें बीजेपी से तो सर्टिफिकेट चाहिए नहीं है, और मैं मानती हूँ कि हम लोग बहुत अच्छा कैंपेन रन कर रहे हैं। हम लोग सब लगातार पूरे राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, माहौल बहुत अच्छा है। The BJP, however, is standing firmly behind their captain, Prime Minister Narendra Modi. They say that the entire state witnessed a tug of war between Chief Minister Gehlot and former Deputy Chief Minister Sachin Pilot, and there is nothing to deny. 5 साल लगातार सचिन पायलट और गहलोत जी आपस में तलवारें लेके आमने सामने खड़े रहे, वहां शासन नहीं लगा, वहां पर शासन चल रहा है, और वहां पर किस प्रकार से जनता के साथ अत्याचार हुआ है वो देखने के लिए मिला है। ये खाली अपने झगड़ों के अंदर अपने बाल मलाई का बंटवारा करने में लगे रहे, और मुझे लगता है कि कांग्रेस हमेशा जहां भी आती है इस प्रकार का वातावरण करती है। और सही बात है कि इनके मन अब भी नहीं मिले हैं, और इसका परिणाम राजस्थान के चुनाव के समय भी आप जब डिक्लेयर होगा, जब गिनती होंगी, तब मालूम पड़ेगा कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है। We have all seen how there has been a tug of war which went between Sachin Pilot and Mr. Gehlot, Ashok Gehlot throughout. And now, for election sake, Mr. Rahul Gandhi forced a photo op. Fact is that we all know this tug of war still on between the two.